नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय स्टार हाउस विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ के सामने शाम 5:15 पर जोरदार संयुक्त प्रदर्शन किया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार बैंक कर्मी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन मांगों में 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करना, पूर्व पेंशनर्स की पेंशन का पुनः निर्धारण करना, बैंक कर्मियों के दीर्घ लंबित मुद्दों का जल्दी से जल्दी निष्पादन करना, बैंकों के सम्मानित ग्राहकों को उच्चतर ग्राहक सेवा देने के उद्देश्य से सभी कैडर्स में समुचित संख्या में शीघ्र नई भर्तियां करना, नवीन पेंशन योजना की समाप्ति एवं पुरानी पेंशन योजना को लागू करना, आगामी वेतन समझौते हेतु प्रस्तुत चार्टर्ड ऑफ डिमांड पर तत्काल वार्ता प्रारंभ करना शामिल है। इन मांगों को लेकर पिछले लगभग 10 दिनों से संघर्ष निरंतर जारी है। इसी क्रम में बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय स्टार हाउस विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ के सामने नगर के समस्त बैंकों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों की ओर से जोरदार संयुक्त प्रदर्शन किया गया। फोरम के राज्य संयोजक कॉमरेड वाई के अरोड़ा के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कॉमरेड एसडी मिश्रा, दिलीप विश्वकर्मा, एसके संगतानी, यूपी दुबे, जेएस सिन्हा, राजेंद्र जोशी, केएम श्रीवास्तव, धर्मेंद्र अवस्थी समेत अन्य नेताओं ने अपनी उपरोक्त 6 मांगों पर विस्तार से चर्चा करते हुए आईबीए और भारत सरकार से इन सभी जायज मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग की और कहा कि बैंक कर्मी इसके लिए किसी भी हद तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता अजय सिंह की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।